50 स्टूडेंट्स जो हैं आपके टी के हैं एंड 250 स्टूडेंट कॉफी, 225 स्टूडेंट कॉफी एंड बोथ, थर्ड है बोथ, बोथ टी एंड कॉफी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन से। इसके कितने हैं आपके 100 स्टूडेंट टेकन टू कॉफी एंड टी, हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नाइदर टी मतलब ना तो कॉफी ना तो टी, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, नाइदर टी नॉर कॉफी को आप रिप्रेजेंट करते हैं एन सी डैश मतलब नॉट सी एंड नॉट टी, तो इसको बोलेंगे नाइदर कॉफी। और इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, आप इसको लिख सकते हैं सी यूनियन टी डैश, इसको सिंबोलिकली कैसे लिखते हैं सी यूनियन टी डैश। इसको देखो समझो कि कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे सी यूनियन टी डैश, मीनिंग कि ना तो इसकी मीनिंग हो गया कि ना तो कॉफी है ना तो टी है, तो इसके मीनिंग हो गया कॉफी और टी को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो देखो इसको कैसे हम समझते हैं, ये देखो सपोज ये है दो सेट, एक सपोज आपका टी का सेट है और एक क्या है कॉफी का सेट है ना। तो ए आपका मान लो यूनिवर्सल सेट है जो आपकी बात हो रही है जितने पे आप सर्वे कर रहे हैं, तो देखो ए वाला पोर्शन जो ब्लैक के बगल में हो, ब्लैक के बाहर है, दोनों ब्लैक जो सर्कल के बाहर है, यही जो है क्या है ना तो कॉफी वाला है ना तो टी वाला है, तो ये क्या है कॉफी एंड और टी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, बात समझ में आ रहा है ना। देखो तो इसको इसके ऐसे रिप्रेजेंट करने को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट नाइदर कॉफी नॉर टी इज इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉफी और टी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो पहले आप क्या निकाल ले लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकिंग आइदर कॉफी और टी, ये आपको निकालना पता है ये फार्मूले से। तो इसको क्या होगा आपका दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकन कॉफी प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकन हैव टेकन टी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन बोथ कॉफी एंड टी, इसके इक्वल हो जाएगा है ना। तो कॉफी के स्टूडेंट कितने हैं देखिए, तो कॉफी के स्टूडेंट आपके 225 हैं, टी वाले कितने हैं 100, टी वाले 150 हैं और ए आपका 100 है, तो मीनिंग आ गया ए होगा 375 में से 375 में से 100 जाएगा 275, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकन कॉफी आर टी इज 275। ओके ए आपको हो गया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकन नाइदर कॉफी नॉर टी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकन नाइदर कॉफी नॉर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब टोटल जो है टोटल में से क्या होगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकन कॉफी आर टी। भाई देखो ये बाहर वाला क्या है टोटल में से कॉफी और टी वाले पार्ट को क्या करेंगे आप माइनस कर देंगे, तो ए आ जाएगा आपका टोटल कितने हैं 600 और 275 कॉफी और टी वाले हैं, तो डेट इज आ जाएगा 325। ये तो आपने लॉजिक से क्वेश्चन लगा लेंगे है ना, और इसको वेन डायग्राम से भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो वेन डायग्राम से कैसे लगाएंगे ये देख लीजिए,
देखिए कॉमन, दोनों के कॉमन को हम बीच में लिखते थे, तो दोनों में कॉमन कितने हैं, 100 स्टूडेंट। 100 स्टूडेंट क्या है, दोनों में कॉमन है। अब देखिए कॉफी के कितने हैं, 225, तो 100 तो हो चुके हैं, तो यहाँ बचा क्या कितना, 125। ठीक है, तो दोनों को मतलब कॉफी देखो ब्लैक शेडेड है, यहाँ ब्लैक वाले सर्कल में, तो 100 प्लस 125 मिलके कितना हो गया, 225 हो गया। ऐसे टी वाले 100 है, 150 है, 100 तो कॉमन है, तो यानी कि यहाँ पे 50 हो गया। ओके, अब देखो कॉफी और टी का सेट क्या है, थ्री पार्ट्स में, थ्री डिसजॉइंट सेट में है, एक 50 वाला है, एक 100 वाला, एक 250, तो तीनों को प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, एक 225 और 50 क्या हो जाएगा, 275। तो कॉफी और टी है और टोटल 600 है, तो 600 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 275। ओके, 325, ये आपका क्वेश्चन हो गया, है ना, दोनों को समझ में आया, यस।